सुस्वागतम सुस्वागतम छोटे पर्दे के सबसे बड़े शो पे जिसका नाम है वीवो स्मार्टफोन प्रेजेंट्स यारों की बारात को पावर्ड बाय amazon.in। आज हमारे साथ बैठे हैं यारों की बारात के टाइटल शो का एक्चुअल बारात में आए हुए दो असली यार सुनील शेट्टी जैकी श्रॉफ। दादा अन्ना आप दोनों की शादी हुई और जब हुई तो ऐसी लड़की से हुई जिससे आप कई सालों तक प्यार करते थे, उसके बाद आपने शादी की, तो पहली बार जब आप उनसे मिले तो किसने किसको पटाया? आपने उनको पटाया कि उन्होंने आपको पटाया? दादा सोच रहे पटाया। अच्छा आई लव यू पहले किसने बोला? शायद मैंने ही बोला। और शायद क्यों कंफर्म याद नहीं बोलू। ओके हमेशा ना लड़कों का लास्ट वर्ड होता है और फर्स्ट भी होता है शायद, जब भी झगड़ा वगड़ा होता है तो लास्ट वर्ड हमेशा लड़के लोग का होता है सॉरी। सॉरी हम लोग को ही बोलना पड़ता है। वो ठीक है, मालूम नहीं आप लोग का क्या गेम है। बस में खड़ी थी आयशा। कैसे दिखा रहे? बस में खड़ी थी, बस है वो लटकता है ना, वो पकड़ के ऐसे लटक रही थी। मैं पीछे बाइक पे था, सुनील शेट्टी बाबा के घर के यहाँ से वो टर्न लिया, मैं ब्रीच कैंडी से आ रहा था, उसके मैं भी टर्न लिया, देखा सडनली एक लड़की खड़ी, अच्छा स्कूल का ड्रेस पहन के स्कर्ट पहनी थी। मैंने देखा, मैं बोला वाओ यार, मैं बोला ये कौन है यार? तो मैं उनके पीछे गया, रुकाया गाड़ी और मैं बोला हाय माई नेम इज जैकी, शी से माई नेम इज आयशा। अच्छा वे यू गोइंग? बोला आई एम गोना मीट माई बॉयफ्रेंड। अच्छा माँ की तो बेचारा अच्छा लड़का था, ऐसा नहीं मतलब उसका बॉय था, मतलब था ही था, अभी अभी तो शादी किया, अभी क्या था, अभी भी है। नहीं अच्छा लड़का था। हाँ है, है था मतलब है, नहीं था मतलब गुजर गया। अरे नहीं मरा नहीं, उसके लाइफ में था अबे। हाँ मार दे, वो है वो देखेगा तो बोलेगा ये ब्रो। तो बातचीत की, मैं बोला अच्छा यू गोना मीट योर बॉयफ्रेंड, बोला एंड यू? बोला आई एम गोना प्ले देयर। एक हम लोग का गेम्स पार्लर होता था वंडर वर्ल्ड, वंडर वर्ल्ड वीडियो गेम्स। हाँ तो मैं बोला मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ हमेशा, बोला मैं यहाँ हमेशा आती हूँ। बोला वाओ। एक दिन वो उसका बॉयफ्रेंड आया, बोला कि व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर अशोका द ग्रेट, ओपी रलन साहब ने 20 रुपया और एक फोटो मंगाया। फोटो मंगाया तो वो बोला आपको किसने बोला? मेरे गर्लफ्रेंड ने बोला कि आप हीरो बन सकते हैं, आप अशोका द ग्रेट जैसा दिखता है। मैं बोला माँ की आँख, उसका बॉयफ्रेंड आगे बोल रहा है कि मैं अशोका द ग्रेट। माँ से पैसे लिए, 20 रुपया लिया, जाके चौपाटी में वो पासपोर्ट का फोटो निकाला ऐसे करके मूंछ ऊपर करके जाके उन, फिर उनके बॉयफ्रेंड को बोला कैन यू आस्क योर गर्लफ्रेंड टू अकंपनी मी, कि मेरे साथ आ सकता है क्या ओपी रलन की? मैं नहीं जाता हूँ। तो बोला ओके आई विल टेल हर। वो भी बड़ा सिंपल लड़का था, वो नहीं आया, आयशा आई। मैं जाके वो फोटो और 20 रुपया जाके ओपी रलन साहब के ऑफिस में रखा, पिक्चर नहीं मिला वो मिली। तो आपने गेम खेला बेसिकली? गेम मैंने नहीं, गेम मैं कहाँ खेला, वो बोली के हीरो बन सकता है। तो आपने 20 रुपए में बॉयफ्रेंड को बाजू में कर दिया, उसने खुद अपने आप को हटाया। अन्ना आपकी स्टोरी? वही वंडर वर्ल्ड सेम जगह आई थिंक। दादा ये देखो ये दोस्ती, ये दोस्ती क्योंकि हम लोग वंडर वर्ल्ड है, नहीं कि हम लोग है ना वंडर वर्ल्ड पेस्ट्री पैलेस और स्कैंडल पॉइंट, तीन जगह थे जहाँ हम हमेशा हैंग आउट करते थे दादा मैं शाम के टाइम पे। और वैसे ही माना आई थी, वो अपना कैसेट देने के लिए, कैसेट चेंज करने के लिए आती थी पेस्ट्री पार्लर, वीडियो कैसेट चेंज करने। तो वैसे ही बाइक पे बैठा था और मैंने देखा और मुझे लगा कि यार वाकई बहुत ही खूबसूरत है। तो बहन को जानता था, बहन को मैंने बोला कि यार एक पार्टी है उसमें इन्वाइट करो अपनी बहन को। बोली क्यों? नो, शी इज़ वेरी क्यूट, तो मेरे को मिलना है। तो गुंडे मवाली टपोरी सब नाम हमें देते थे वहाँ पर हमेशा, उनको लगता था कि हम मवाली है क्योंकि उनको नहीं पता कि दिन भर काम करने के बाद 2 घंटे हम जाके वहाँ हैंग आउट करते थे। तो माना को बुलाया गया और मुझे ये भी पता चला कि उसे बाइक का बहुत शौक है। तो मेरे पास मेरा अपना जावा था, जावा और जावा यानी वहाँ तक जावा था, उसके बाद आवा वावा पता ही नहीं था। उसके बाद जाएगा आगे कि नहीं भरोसा नहीं था। तो मैंने बाइक रखा और मेरे एक दोस्त ने एक नया होंडा लिया था, उससे पूछा यार ले ले, बोले ले ले। अभी ले तो लिया, अभी उसकी चाबी भी कहाँ लगानी मुझे पता नहीं। तो ऊपर से वो बता रहा है मेरे को यार डाल वो डाल, गियर्स नहीं पता थे।
तो एक बार चालू तो हो गई, हम मरीन ड्राइव पे चले तो गियर चेंज करते करते झटका तो लग ही रहा था, तो उसे लगा कि मैं देर शाणा हूँ, चालू हूँ बहुत। नहीं सच्ची माना, आज भी मान ली। दादा आपको क्या लगता है? नहीं नहीं नहीं, मासूम है भैया, कभी नहीं। नहीं नहीं किया होगा। और माना आज भी बोलती है कि नहीं तुम जानबूझ के झटका दे, मैं बोला आप 35 साल के बाद क्यों बोलूं झूठ। तो बट शी नेवर बिलीव मी। और उसके बाद ऑफ कोर्स मिलना हुआ और हमेशा बोलती थी कि नहीं तू सुधरेगा नहीं, तुम लोग टपोरी हो, ये हो, वो हो, लड़कियां हमेशा साथ रहती है। बट देन धीरे धीरे चलो 9 ईयर्स ऑफ सीइंग ईच अदर और फिर अब 25वां साल शादी का, तो आई थिंक Long live, bro. 34 years together. Banana, amazing couple. जब भी आप दोनों को हम देखते हैं, मैं और जिनिलिया, तो हमेशा ऐसा लगता है कि we will grow old as Anna and Mana. Play the game. Game? दादा अन्ना, इस गेम का नाम है कभी हाँ कभी ना। तो आपको हम सवाल पूछेंगे, एक बाजू हाँ एक बाजू ना, आपका जो जवाब है सिर्फ हाँ ना में देना है और एक साथ देना है और जल देना है। यू कांट, जैसे सवाल पूछेंगे हाँ या ना करना है। कभी आप दोनों ने लाइफ में फिल्म इंडस्ट्री में अवार्ड खरीदा है, खरीदने की कोशिश की है, इन्फ्लुएंस किया है? ना ना। होता है ऐसा? परिंदा में बेस्ट एक्टर आपको मिला था, यू डिजर्व्ड इट। आप कितने शौक हो गए जब बेस्ट एक्टर मिला था परिंदा के लिए, क्योंकि वो प्राइमरीली एक अनिल कपूर व्हीकल थी। हुआ क्या था कि टाइगर को माँ ने खाना खिला के दूध पिला के मेरे हाथ में सुलाने दिया और मैं फिल्म फेयर की पार्टी वो उसमें बैठा था, तो मेरे को तो मालूम था मेरे को तो देंगे नहीं, और सडनली मेरा नाम लिया तो शौक तो मतलब इतना था कि बच्चा हाथ में था लेके टाइगर को लेके ऊपर चढ़ गया। और दिया भी नहीं, अरे अवार्ड मिला, अरे अवार्ड। ओके, क्या आपने कभी अपने कोस्टर पे लाइन मारी है? दादा मैंने लाइन नहीं मारी है, तो मैं देख रहा था हाँ है कि ना है बे। ओके ओके ओके, क्या आपके कोस्टार ने कभी आप पे लाइन मारी है? अन्ना 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 नहीं कोस्टार ना अन्ना ना बोलो। नहीं लाइन नहीं मारी है। अन्ना बुलाते हैं तो कैसे लाइन मारेंगे? इसीलिए आज तक इज्जत है हम लोगों की। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने कभी छक्के पंजे किए नहीं। सत्ते अटे। ओके लेट्स गो। क्या आप दोनों ने कभी लाइफ में बिना टिकट में बस या ट्रेन में ट्रैवल किया है? और टीसी ने पकड़ा है? ओके मौका मिलेगा तो फिर से करोगे? तो करेगा क्यों? टीसी ने पकड़ा था, पैसा नहीं था तो जाते थे, अभी थोड़ा है तो जाएंगे। नहीं, थोड़ा बहुत तो मस्ती कर मस्ती सकते। मस्ती के लिए हम मतलब अभी लेंगे भी नहीं, अभी तो लेते भी नहीं, अभी तो उन लोग ऑटोग्राफ फोटो ले लेते। पर आप अभी ट्रेन में कहाँ जाते हो आप? ट्रेन में अगर कोई माथेरान वाथेरान जाने का होगा तो सुबह ट्रेन पकड़ के जाते। अच्छा मुझे बताइए कि आपने कभी अपने बीवी से डांट खाई है? ये कैसी शादी है? आपको लगता है अन्ना सच बोल रहा है? डांट झगड़ा हुआ है लेकिन डांट नहीं खाई। इनफ, ऐसा क्यों किया तुमने? वो नहीं होगा, वो कैसे नहीं होगा। क्या आप दोनों ने लाइफ में कभी बिना पैसे दिए कोई दुकान से चीज सटकाई है? क्या आपने अन्ना के दुकान से कुछ सटकाया? अन्ना के दुकान से कोई चीज सटकाई है? अन्ना ने दिया। अच्छा कहाँ से? जगुदा कहाँ से सट गया? लाइब्रेरी यार, वो कॉमिक निकाला। दूसरा एक स्कूल के आजू बाजू था, स्कूल के आजू बाजू था, छोटा था, कॉमिक का बहुत शौक था, पैसे देते नहीं थे ना था हम लोग के पास। कौन सी कॉमिक थी? आर्चीज नहीं, कमांडो। कमांडो कमांडो तो कमांडो के कुछ कॉमिक डाल दिए थे, फिर माँ ने मारे लाफे दबा दब तो फिर कॉमिक वापिस दिया।
दिया जाना पड़ेगा कि मेरे ये लाइक्स का आ गया. पब्लिकली किसी फैन ने आपको कभी किस किया हो आपको पता ही नहीं और ये हो गया है, पता कैसे नहीं है? नहीं यार के जान अभी चल रहे कोई आगे किस कर रहा है क्या रुकिए. नहीं होटो पे किस किया? नहीं और लड़के ने किस किया होटो पे? नहीं गाल पे. लड़कियों ने नहीं किया. मुझे बताइए यू नो लड़कियां तो ऑब्वियसली पूछ सकती हैं कि विल यू कम आउट ऑन डेट और हैज एवर अ गाय हिट ऑन यू? अरे बाप अरे बाप उसमें क्या है? उसमें क्या गलत है? हम लोग दिखता भी ऐसा है तो मतलब वैसा नहीं. वी लुक नहीं ना वैसा का कुछ नहीं वो नहीं नहीं ना वैसा नहीं. हु हिट ऑन यू? था एक डिजाइनर था और एक्स एक्स हां काफी बार और सुनता भी नहीं था बार बार फोन भी किया करता था स्टोर ओवर पे. एक दिन वो अपनी माँ के साथ कुलाबा कॉजवे में शॉपिंग कर रहा था और मैंने उसको देखा तेरी तो जो भी हो और भागा मैं उसके पीछे. तो अपने माँ को छोड़ के वो भाग रहा था और मैं उसके पीछे डरा रहा था. मैं ऑब्वियसली ऑफकोर्स पकड़ना होता तो पकड़ लेता लेकिन आई थिंक वो लास्ट था. उसके बाद उसने कभी फोन नहीं किया. मेरा कुछ नहीं मेरा तो नॉर्मल चालू ही रहता था ना कि आयशा के बहुत सारे फ्रेंड्स थे जी. They were into guys, so what? Everyone to his own end. Yes, yeah, of course. हाँ और अपना अपना सब कुछ जितना जो पसंद है वो. मगर वो हमेशा जो आयशा के फ्रेंड्स थे वो सब मतलब आप पे लाइन मार रहे हैं. हाँ मारने आप आपने कभी हाँ बोला? हाँ क्या बोलूँगा अबे? क्या ना 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 बोला मगर उन लोग का दिल नहीं तोड़ा मतलब कुछ किया नहीं. कंधे पे हाथ रख दिया उन लोग के ताकि वो सब. जिंदगी में शादी से पहले तुम दोनों ने कभी लड़कियों को 100 के ऊपर झूठ बोले? ना ना नहीं बोला बोला ना क्या झूठ 100 के ऊपर? 100 के ऊपर झूठ 100 मतलब एक को एक बोला तो फिर 100 ही हो गया ना. मतलब झूठ मतलब किस तरह का झूठ? नहीं मैं वो नहीं था. नहीं नहीं मैं मतलब मैं घर छोड़ के मैं अपना ये चाली में रहता हूँ ये खोली में रहता हूँ वो सब दिया क्योंकि वो खोली इमोशनल करने का था. खोली दाना पे तो अगर वहां ले जाता तो लोग बोलते यहाँ रहता है फर्नीचर शायद निकल जाते. वाह वाह वाह. आप दोनों को जब शादी से पहले की बात कर रहा हूँ पुरानी पुरानी गर्लफ्रेंड्स जब कभी कभी दिख जाती हैं अपने बच्चों के साथ या शायद उनके बच्चों के बच्चे हो गए कैसा लगता है? देखता हूँ लगता कैसा भी नहीं है खाली सोचता हूँ अगर अगर मेरे होते तो बच्चे कैसे लिखते. मैं सोचता हूँ कि अपन दिल भी क्या चीज है बेटो कभी कभी लगता है कि इसके बिना अपनी जिंदगी गुजरेगी नहीं और कभी 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 याद और कभी कभी देख के लगता है कि अच्छा हुआ शादी नहीं किया. बच गया दादा सच्ची बोलो. I mean, see Aisha today is so pretty. No, lovely. जो है सही है बड़ू. नहीं जो है सही है. वैसा कुछ नहीं रे. मैं यही सोचता हूँ कि दिल कितना मतलब इतने दिन संभाले रखा था दिल को सीने में मुस्कुरा के तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया. तो ये सारे लोचे बोलते इतना कमजोर है दिल इतना फ्लिपेंट है दिल कि कितना जल्दी चला जाता और कितना वो घट है थिक स्किन है सुअर का चमड़ी है लगता है. कि कभी 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 ऐसा लगता है कि दिल मतलब बोलते पत्थर का है पत्थर भी है मोम भी है माँ की आंख. इसके बिना रह नहीं सकता हूँ और चले गया और वो गया तो गया. इतना होता था कि नहीं मर जाऊंगा जान नहीं ये कर दूंगा वो कर दूंगा मगर समझ में नहीं आता बिड़ू. नहीं ना वक्त वक्त की बात है ना. ग्रेट फिलोसफी मालूम ही नहीं मैन. दिवाली में दादा आपको बेस्ट क्या लगता है रॉकेट या बॉम्ब?
पहले तीन बत्ती के टांकी पे हम लोग पड़े रहते थे, दो हम लोग दो दोस्त लोग थे ऐसा लेट के, और आसमान देखते थे, रॉकेट देखता था, ये रॉकेट गया वो गया, ऐसा लगता था हम लोग की दिवाली हो रही। किसी में पैसे होते नहीं थे, वेट करता था, पहला दिवाली खत्म, दूसरे दिन हम लोग का दिवाली, जो फटाके फटाके फोड़े जो बच गया वो हम लोग जमा करते थे जाके रात को, और जमा करके जाते उसको जमा करके लेके जाते थे, सब रखते थे, दूसरा दिन बहुत दूसरा दिन फटाका शुरू। मगर उसके पहले का दिवाली जब मैं 10 11 12 13 साल तक जब था ना जी, तो इतना डर लगता था फटाके की आवाज से कि हम लोग, मैं बिस्तर के नीचे घुस जाता था, मेरी माँ बाहर जाके मारते थे उन लोग को कि क्या फटाका फूट रहा है मेरा बेटा, डर रहा है, बोले दिवाली है, जब माँ मारती थी जाके और मैं छुपके नीचे बैठे रहता था। तो ऐसी दिवालियां मनाए हम लोगों ने, मजा आया। अन्ना, हाउ वाज योर दिवाली? दिवाली शैतान था, मैं अपने हाथों में सब कुछ जलाता था, अनार हो या बॉम हो, आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बैड एग्जांपल, माचो थिंग, इट्स अ वेरी माचो थिंग, नहीं नॉटी थिंग, था माचो तभी, तो माचो क्या चीज है पता भी नहीं था, हाथ में लेकिन बॉम पकड़ लिया, बॉम हो या रॉकेट हो, लेकिन प्रकाश, सूरज, दिनेश, वो हमारे फटाके थे, चाइनीज वाले नहीं थे, देसी थे और हमेशा देसी रहते थे, और इंडियन बाय इंडियन, एब्सोल्युटली शिवकाशी, इट वाज फन ग्रोइंग अप, क्योंकि सारे बिल्डिंग के बच्चे सारे फटाके लेकर बाहर आके साथ में हम बजाया करते थे, इट वाज अ लॉट ऑफ फन। पावर शो भी होता था कि जिसके पास 10,000 की लड़ी है वो बहुत अमीर है, जिसके पास 20,000 की लड़ी है वो बहुत अमीर है, जिसके पास 50,000 की लड़ी है, हाँ, वो होता था, होता था। बिल्डिंग हम लोग के सामने सेट, बहुत सेट लोग रहते थे यहाँ से लेके वो मतलब, और वो भी रात को 12 बजे के बाद जब सोने जाएंगे तभी बूमा बूम दादा लड़ी 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 लड़ी, वो लड़ी के अंदर से 2-3 अपने को कड़ी मिल जाती थी। दादा, आपने यू नो चौल की लाइफ भी एक्सपीरियंस की, उसके बाद यू नो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार आप बने, उसके बाद हाई लाइफ भी है, हाई राइज में आप रह चुके, तो कौन सी लाइफ को आपने ज़्यादा एंजॉय किया? कैसे आप बोलूँ, अभी मेरे बच्चे, मेरी औरत, मेरी बेटी, उस वक्त मेरी माँ, मेरा बाप, मेरा भाई, तो मालूम नहीं कौन सा एंजॉय किया और कौन सा एंजॉय कर रहा हूँ। दादा, आप हम कुछ दिखाना चाहते, एक क्लिप आपके लिए। तीन बत्ती, ओह माय हाउस यार, ये चापना चाली हो, वो सेकंड गो ब्लू वाला, अभी एसी आ गया था, लग गया, अभी एसी लग गया, और लगा दिया। तीन बत्ती चाली था अपना, वो मस्त। जब चाली की बात की दादा, तो एक्टर बनने के बाद भी आप वहां रहे थे? हाँ, एक्टर बनने के बाद भी मैं रहा उधर, मैं एक साल, हाँ नहीं नहीं रहा, शिवा का इंसाफ का फोटो भी था उधर, उधर मेरी माँ ऐसे लगाया था, काफी 3-4 साल रहा। शिवा का इंसाफ 85, तीन चार साल। हमने ऐसा सुना है कि क्योंकि चौल थी तो यू नो जब नहाने के लिए जाना है तो एक कॉमन टॉयलेट हुआ करता था, तीन पॉटी था और 30 जन थे, 30 जन और 3 पॉटी, लाइन लगता था। तो ऐसे सुना है कि आपके प्रोड्यूसर भी आप लाइन में मिलते थे कि नरेशन के लिए, था सही बात है? वो बाहर बैठते थे और मैं डब्बा लेके, कभी डब्बे के साथ नरेशन सुनते थे, मैं डब्बा लेके जाता था ना तो उनमें बैठते थे दादा, अंदर रहते थे और बाहर, और नरेशन बाहर से होता था। अरे नहीं रे, नहीं सब नहीं, उन लोग आज कुछ पागल हो गए, अंदर बैठे लाओ बना रही चल जाए। अन्ना, आप होटल लाइंस, जब आपने रियलाइज किया कि मैं फिल्मों में हीरो बनूंगा, तो घर से क्या रिएक्शन है? आई थिंक इनिशियली तो मॉडलिंग चाहते नहीं थे, ये मॉडलिंग के लिए भी हमेशा ना कहते थे, क्योंकि क्यों ना कहते, बट यूर अ गाय, हम लोग एक बहुत ही छोटी फैमिली से आते हैं जिसने कभी ये ग्लैमर कभी देखा नहीं था, तो वो डर के वजह से, इनसिक्योरिटी के वजह से वो ना बोलते थे, बाकी कुछ नहीं। और जब आप सक्सेसफुल हो गए तब उनका क्या रिएक्शन था? उनका तब भी रिएक्शन यही है, खुशी का ही रिएक्शन है। आज तक मेरे माँ बाप कभी सेट पे आए ही नहीं, इन द लास्ट 26 ईयर्स एक बार भी मेरे माँ बाप सेट पे नहीं आए। वो घर जब जाता हूँ तो खाली पूछते हैं कि कैसा था, क्या था, अदर देन दैट नथिंग एल्स। अन्ना, आप जगुदा के दोनों बच्चों की गॉडफादर, ये कैसे हुआ दादा? आयशा इज अ फ्रेंड माना, मेरे बच्चे या एक दूसरे के दोस्त हैं,
वो तो अभी हुए, मगर पहले जब जब छोटे आइटम थे तो तभी आयशा ने बोला कि सुनील एंड माना शुड बी द गॉडफादर, कि अगर हमें कुछ हो गया मुझे और आयशा को खुदा न खास्ता तो कौन संभालेगा बच्चों को, कि हम लोग का कोई फैमिली है ही नहीं, हम लोग चार जन ही है, बाकी कजिन बजन मगर उनको तो नहीं बोल सकता, तो मेरे को मालूम था कि ये संभाले, मेरे बाबा मेरे डैडी को भी तो संभाला था, 15-20 दिन डैडी को संभाला, डॉक्टर नर्स सब उनके घर में, मेरे को मालूम था कि अगर कभी कुछ हो गया तो मेरे बच्चे ये संभाले। वो मौका मिला था हमें, फ्रेंडशिप की बात, वो कनेक्शन थी, बाकी कुछ नहीं था। आई नो कि इतनी सिंपल बैकग्राउंड से दादा आते हैं और छोटी छोटी खुशियां उनके लिए हमेशा, मतलब जेन्युइन खुशी होती है। तो वी नो ईच अदर ना ब्रो, दोस्ती इसे ही कहते हैं। सब लोग को ऐसा लगता है कि जगुदा की पहली पिक्चर हीरो थी, जो थी एज अ हीरो, लेकिन उससे पहले जगुदा स्वामी दादा 1982 देव साहब की स्वामी दादा हीरो बन के, मतलब फाइटर बन के आए, विलन का चमचा, विलन का, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ था? माय मॉडलिंग मेरा चल गया गेम, उसके बाद में कहीं से फ़ोन आया कि एक्टिंग सीखेगा आशा जी, तो मैंने बोला नहीं सीखने गए, तो बोला नहीं नहीं आके देखो, आशा चंद्रा जी तो मैं जाके देखने गया, तो वहाँ मेरे को सुनील आनंद जी दिख गए, तो जहाँ सुनील साहब मेरे को दिख गए तो मेरे को लगा कि यार ये मौका है देव साहब को मिलने का, क्योंकि देव साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन आज भी, तो मैं उनसे दोस्ती की बातें हुई है वो, मैं बोला मिला है, तो बोला एक दिन चल मेरे साथ, हम लोग खीरा नगर आज ही क्रॉस की, खीरा नगर में ऑफिस होता था, वहाँ चले गया मैं देव साहब को मिलने के लिए, और देव साहब वहाँ बैठे हुए थे और मेरे को देखा, बोले सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें एक रोल जरूर दूंगा। और मैं बोला मैं इनका इतना बड़ा फैन, और मेरे को बोला सुबह सुबह मेरी तस्वीर देखी, कोई मॉडलिंग किया था मैंने तो होल्डिंग देख लिए थे बाबा ने, तो वो मेरे को रोल मिल गया, बोला कि सेकंड लीड है, मैं हीरो हूं, तुम्हें सेकंड लीड दूंगा। मैं तो यार समझ में आया नहीं, काऊ माँ हो गया मैं। मैं निकला वहां से, सुनील हलो हलो करके कैसे भी गया, माँ को बोला मिल गया माँ हीरो बन गया हूँ, वो क्या हुआ देव साहब को मिल के आया हूँ, बोले पिक्चर में सेकंड लीड आ गया। 15 दिन के बाद फिर बुलाया, मैं बोला हो गया हूँ कोई और, तो वहाँ पे आके मिठुन दा ने अपने डेट्स दे दिए, तो मिठुन दा सेकंड हीरो हो गया। तो मैं बोला तुम्हें और एक रोल है मेरे पास, शक्ति कपूर का चमचा। शक्ति जी के पीछे खड़ा रह गया मैं, और शक्ति जी बहुत मेरा मतलब इज्जत, मेरा मतलब मेरी इज्जत की, मेरी मेरा हौसला बढ़ाया बाबा ने, बोला यार क्या दिखता है यार, क्या लीन है यार, क्या लगता है तू यार ये सब। मैं बोला हाँ यार मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं भी, और एक्टिंग करने का कोई था ही नहीं, पीछे खड़ा था, तो शक्ति साहब के पीछे खड़े रहने का पूरा गेम था मेरा। मगर पहला दिन के शॉट के अंदर समझ में आया कि एक्टिंग क्या होता है। उधर मधुमक्खी का रानी, क्वीन भी बोलते हैं, रानी होती ना, वो डब्बे में उधर, और उसके पूरे सिपाही पीछे इस ये डब्बे में, और हम लोग वो उसको उन लोगों का करा दिया था कि हम बी कीपर आए ले थे, कैमरा ऐसा ऑन था, तो कैमरा से हम लोग को भागने का 3 जन को, और पीछे पीछे मधुमक्खी छोड़ दिए, वो मधुमक्खी ऑब्वियसली हम लोग के ऊपर नहीं आने वाला था, सीधा रानी के पास ही जाता है, मगर जो हम लोग भागे जान तोड़ के, बोला ये एक्टिंग है अभी समझ में आया, तो वो तो रियल है ने? स्वामी दादा में तो सब मेरे को करा है। पहले दूसरे दिन का शॉट ऐसा गला ऐसा उल्टा पकड़ के ऐसा फेंकने का, आजा बताता हूँ, फेंकने का नहीं, तू खा उल्टा उधर देखना, ये ऐसा, ये जाकी ये मैं और ये स्टंट मैन, और ये ऐसे पकड़ के, ये पकड़ के फेंकना है ऐसा, तो हुआ नहीं मेरे से, तो वहां से फाइट मास्टर भड़क गया और बोला शिवे घातल, 2-4 गाली बाली दे, देव साहब ने वहां से बोला ठगी रही सी, नया लड़का है, क्या बोला बाबा ने, बोला नया लड़का है सीख जाएगा, टेक इट इजी नया लड़का है, उसको गाली मत दो। हाँ, तो फिर क्या, फिर मेरे को मास्टर जी ने समझाया, बोले जरा पीठ से पीठ लगा, चिटका के खड़े रहे। और तू बैंड हो जा, तो ले तभी किया, क्या दिखो मेरे, मेरा कहिए कमर का ये यार, उधर एक पॉइंट सीखा कि इतना बड़ा आदमी अपनी इज्जत
कि एक नया लड़का सीख जाएगा. वो जो बोला ना वो कान में बैठा, इसलिए आज तक कोई भी बच्चा जब आता है ना, बाबा भी उतनी इज्जत देता है, मैं भी उतनी इज्जत देता हूँ जो मैं सुना था देव साहब से कि टेक इट इजी, नया बच्चा है सीख जाएगा. मैंने अपना आर्किटेक्चर ख़त्म किया, उसके बाद मैं न्यूयॉर्क गया और उसके बीच यादें के सेट पे मैं दादा से मिला. और न्यूयॉर्क जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ, मैंने ली स्ट्रासबर्ग एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर ली और जगुदा वॉज द ओनली फ्रेंड जो न्यूयॉर्क आते थे, तो मेरे अपार्टमेंट में आए जगुदा और सब याद है. मैं एक्टिंग स्कूल से वापस आया और जगुदा अपना लैपटॉप लेके अपार्टमेंट में आया. बोला जगुदा आप आ गए, क्या किया बिड़ो? मतलब कुछ नहीं, ये सीन किया. अच्छा बता बता क्या है, क्या परफॉर्म? तो मतलब कुछ नहीं ऐसे दिखा. नहीं नहीं बड़ा बता, तो बता ना बता बता बता. अरे बता ना कौन सा सीन था, बता ना. अभी याद नहीं है. अरे अरे बता करेगा बहुत इंटरेस्टिंग था. एक लाइन बोलना, बैठे बैठे लाइन बोलना. क्या था वो? कुर्सी में खड़े रह गया था तूने. आई रिमेम्बर यू स्टूड ऑन द चेयर और समथिंग. नहीं अरे अभी वो डायलॉग याद नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा था, मैं कुर्सी पे खड़ा हो गया था. हां खड़ा हो राइट. और पता नहीं क्या डायलॉग था, कि द वर्ल्ड इज नॉट इनफ फॉर मी टू डू व्हाटएवर एंड आई एम हियर टू डू दिस थिंग फॉर यू, शैल आई डू इट राइट नाउ, ऐसा कुछ लाइन था. ओके इतना अच्छा किया मैं क्या बताऊं बिलू, और इतना खूबसूरत लड़का और इतना अच्छी आंखें उसकी, ऐसे ऐसा सॉफ्ट ऐसा मासूम, और इस चेयर पे खड़ा रहके पूरा परफॉर्मेंस करके दिखाया. और उस वक्त मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, और मतलब दादा ने ऐसे तू बनेगा एक्टर, बनेगा तू बिड़ो एक्टर एक्टर. तो उसके बाद हो गया और फिर अपना सपना मनी मनी एक फिल्म. हाँ. अन्ना दादा और मैं, हम तीनों ने एक साथ काम किया. तो मेरे लिए क्या था कि एक, इसलिए जब इन्होंने कहा कि जब कोई न्यू कमर आता है तो इसका गवाह मैं हूँ, कि तभी उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया और प्यार दिया. तो थैंक यू सो मच दादा. अरे क्या बात है ब्लू, नो थैंक यू, सॉलिड है. दादा की एक बात मुझे याद आएगा, इजाजत ना हो तो बोलूं? बोलो. दादा का एक बहुत बहुत करीबी दोस्त था जिसका नाम था मरहूम मज़र खान साहब. मैं मज़र के घर पे जाता था, मैं DVDs तभी लेज़र डिस्क लेके जाता था. ये मैंने अपनी आंखों से देखा. अन्ना यू शुड हियर दिस, ये तुझे भी नहीं मालूम है. दादा को साइन करने उस वक्त दिन में 10 से 15 प्रोड्यूसर एवरीडे लाइन लगा के आते थे, और दादा 2-2 मिनट मिलते थे उनको. हाँ बात करो सेक्रेटरी से, बात करो सेक्रेटरी से, बात करो. एक प्रोड्यूसर साउथ से आया था और उसने एक बक्सा दिया था दादा को, एक सूटकेस दिया था जिसमें नोट भरे हुए थे साइनिंग अमाउंट. वो नोट ऐसे दादा ने साइड में रख दिया. 10 मिनट बाद दादा का ही एक पुराना प्रोड्यूसर डायरेक्टर भागते भागते आया था, नाम नहीं लूंगा उनका. उन्होंने बोला था कि उनका कुछ फाइनेंशियल इशू हो गया है कोई और पिक्चर. बिना एक सेकंड झचके दादा ने वो सूटकेस उठा के उनको दे दे, ले बिड़ू ले जा. अमाउंट बोलूंगा नहीं लेकिन लाखों का मामला था. तो ये आदत आपकी कब से है दादा, कि बिना एक पैसे का बक्सा आया और आपने दे दिया जो आपको बताया कि वापस कभी नहीं आएगा? माँ ना, माँ से सीखते हैं सब. माँ की आदत थी घर में पैसे नहीं भी होगा तो चूल्हा जलते रहते, कैसे भी जला के रखती थी, थाली बर्तन बेच देती, साड़ी बेच देती, मगर चूल्हा चालू रहता. कोई दोस्त आता तो बिना खाना खाए माँ भेजती नहीं, कोई भी आना कोई भी आओ खाना मिलना चाहिए. तो वो आप देख देख के सीख लेते ना. और ये तो ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आया और गया. लेके हम लोग ने सुना था कोई जाता नहीं है. तो दोस्त ऑब्वियसली एक दूसरे पे विश्वास रखते हैं, करते हैं, भरोसा करते हैं, ट्रस्ट. तो वी हैव समथिंग फॉर यू. एक दूसरे पर आप फट्टे तक भरोसा करते हो? ऑब्वियसली. अन्ना ऑफ कोर्स. मतलब क्या क्या फट्टे तक? मतलब फट्टे तक मतलब फट्टे तक टिल इटर्निटी. आंख बंद करके, आंख बंद करके भरोसा करना पड़ेगा. एक छोटा सा गेम खेलना. ब्रेक से पहले जगू दादा ने बोला था कि फट्टे तक मैं आंख बंद करके विश्वास कर सकता हूं. वाकई में अभी आपको आंख बंद ही करनी पड़ेगी जगुदा. ये पहनना पड़ेगा, ये डंडा हाथ में पकड़ना पड़ेगा, ऊपर से एक मटका आएगा और आपको मटका दिखेगा नहीं, और अन्ना आपको डायरेक्शन देंगे कि यहां मारो वहां मारो, खाली रितेश और मुझे मत मारना. और ये गेम का नाम है दोस्ती इम्तिहान लेती है.
मटकी थोड़ा नीचे लेके आओ, मटकी कहाँ पे है? अब ऐसा भी मत घुमा गिर जाऊं। नहीं नहीं नहीं, मटकी का है, मटकी 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 आ रही है, मटकी आ रही है। आ गई आ गई आ गई, नीचे 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 अन्ना एक्शन। दादा टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ऐसे ही क्रॉस आपके स्टाइल में आप ये आ जाना, लेफ्ट आ जाना। हाँ वैसे ही और थोड़ा बस, अभी 180 डिग्री घूमिए घूमिए। एक स्टेप दादा, एक स्टेप, बस 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 बस, अभी क्रॉस में आप घुमा दीजिए लकड़ी, ऊपर 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 ऊपर। हाँ परफेक्ट, मारो मारो दादा, नहीं दादा नहीं, हाँ हाँ लगी लगी दादा, उधर उधर आगे सामने आगे आगे, नहीं नहीं दादा दादा एक मिनट, राइट, हाँ हाँ मारो 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 अरे मारो मारो मारो। अन्ना दादा ने तो कहा फटने तक आंख बंद करके विश्वास करते, आप दादा पे कितना विश्वास करते? एक ही शॉट में तोड़ दूंगा, एक ही शॉट में। यार सर दादा के भरोसे पे, मेरे भरोसे पे नहीं। यार पकड़ो ये दादा का गिफ्ट, ओके। अच्छा मेरे को ये लोग किधर बाजू बाहर मत लेके जाना अन्ना, ये शैतान ऐसा शैतान है ना अन्ना। अरे तू अन्ना को नहीं जानता अन्ना, 24 घंटे चौकन्ना। ओके अन्ना गोल गोल घूमे, गोल गोल घूमे, गोल गोल घूमे, मेरे साथ आइए गोल गोल घूमे। तू गांव लेके जा रहा है मेरे को। दादा दादा डायरेक्शन एंड 3 2 1 एक्शन दादा। आने तो दे मटका, मटका नीचे, मटकी नीचे, मटकी नीचे। आया नहीं रे मटका, नहीं आया। आगे आ गया मटका, आगे लाए आगे लाए। टर्न कर, आते रे आराम से, आते रे बिड़ो, आते रे आते रे आते रे आते रे आते रे। हाथ थोड़ा ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, दे फटका दे फटके और ऊपर, दे फटका ऊपर रे और ऊपर थोड़ा इस तरफ दे दे, हाँ थोड़ा उधर, ये नीचे कर और ऊपर है, नीचे कर थोड़ा लेफ्ट पे डालिंग, थोड़ा लेफ्ट पे, बस लेफ्ट पे मार दे तेरा, लेफ्ट पे दे दे लेफ्ट हुक, मारे बच्चा दे वाओ जोरदार तालियां हो जाए। लगा साला जगुदा, आपकी लाइफ हैज बीन लाइक एन ओपन बुक, लेकिन उस ओपन बुक के कुछ पन्नों में कुछ लोगों ने अपनी दोस्ती की सियाही से बहुत खूबसूरत से शब्द लिखे हैं। ऐसी एक क्लिपिंग हम आपको दिखाते हैं। जैकी पाचवीमध्ये असताना मी त्याची त्या वर्गाची क्लास क्लास टीचर होते, त्यावेळी मी सोशल स्टडीज शिकवायची त्यांना आणि मराठी शिकवायची, त्याची मी सगळ्या मार्कांनी चांगला पास व्हायचा म्हणजे अभ्यासामध्ये, म्हणजे इतर मुलांबरोबर त्याची मस्ती चालायची वगैरे, पण टीचर्स आले वेगळा मुलगा
आणि चांगला मुलगा म्हणून माझं त्याच्याकडे जास्त लक्ष असायचंच आणि मला तो आवडायचा देखील. सिनेमामध्ये जाईल, नट चांगला होईल असं आम्हाला कधीच वाटलं नव्हतं. उलट शाळेमध्ये ज्यावेळी कल्चरल प्रोग्राम असायचे त्यावेळी मी त्याला सांगायची पुष्कळदा की तू पण भाग घे. पण एकदाच फक्त पाचवीमध्ये असताना त्याने एका गाण्यामध्ये 4-5 मुलांचं गाणं मी बसवलं होतं. त्याच्यात फक्त एकदाच जॅकिंगने भाग घेतला होता. नंतर पुढे तो 6वीमध्ये गेल्यानंतर तो कधीही कोणत्याही कल्चरल प्रोग्राममध्ये नव्हता. त्यामुळे आम्हाला आश्चर्य वाटलं होतं खरं म्हटलं तर की जॅकी एवढा प्रसिद्ध नट कसा झाला. जॅकी तू कुठे आहेस आता, तू माझं ऐकतो आहेस की नाही, मी काय सांगते ते, तू फार चांगला मुलगा आहेस, चांगला मोठा हो, आणखीन मोठा हो आणि माझा तुला आशीर्वाद आहे रे, आशीर्वाद आहे. टीचर, इनके बारे में कुछ बताइए हमको. रेडकर, रेडकर भाई मराठी टीचर, रेडकर भाई बहुत पसंद था मेरे को हमेशा. उनके हाथ एकदम डेलिकेट, एकदम डेलिकेट, इतना डेलिकेट हाथ मैंने बच्चों का देखा उतना इनका हाथ था. तो मुझे बहुत अच्छा लगता था ये जब पढ़ाती थी. और मराठी जैसे हिंदी जैसे इंग्लिश, मेरा हर लैंग्वेज का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ करता था. बट सी टू इट दैट के जग्गू को बराबर पढ़ाऊंगा. मेरे को हमेशा सपोर्ट करती थी कि कुछ करूं मैं, ये करूं वगैरह. तो उनके लिए पोइट्री भी याद रखता था. कुछ पोइट्री था फूलो पाकरू. हाँ, फूलो पाकरू का पूरा आता है मगर अभी सब भूल गया बांगो देख के. बाग चिमुकली सुंदर फुलली फुलान सार के हो या आनंदानी नाचू या. ये आपके लिए मैं याद रखता था ताकि आप खुश हो कि इसको पढ़ाया तो गधे को कुछ समझ में आया. रेडकर भाई आई लव यू. आनी आपको हमेशा बहुत प्यार करता हूँ. थैंक यू रेडकर भाई. थैंक यू, लव यू रेडकर भाई. आई लव यू टू मच. ये हमारा दिवाली स्पेशल है और दिवाली स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि आप दोनों हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, जनता के लिए बहुत स्पेशल हो जिन्होंने आपकी फिल्मों को सराहा, आपको इतना बेधड़क प्यार दिया है. तो हमारा फर्ज बनता है कि वो जनता जो हमारी ऑडियंस में, उनमें से कुछ लोग आपसे आके मिले. कौन पहला इंटरेक्शन, पहला सवाल पूछना चाहता है? जी नमस्ते. नमस्ते, मेरा नाम खुर्शीद है. खुर्शीद जी. हाँ जी जी. आप कहाँ से आए? मलाड से. यस, मैं जैकी दादा की बहुत बड़ी फैन हूँ. पहले भी बहुत हैंडसम थे, अभी भी बहुत हैंडसम है. कॉलेज के दिनों में हम लोग कपल्स उसके हीरो पिक्चर के गाने पे डांस करते थे. तू मेरा हीरो है, तू मेरा दिलबर है. कैन आई डांस विद यू? आई कांट डांस. और कौन है यहाँ पर जो हमारे गेस्ट से बात करना चाहेगा, सवाल पूछना चाहेगा? हेलो सर. सर मैं सुनील सर का बहुत बड़ा फैन हूँ. वो तो आपकी बॉडी देखकर दिख रहा है. आपका नाम क्या है? पवन सिंह. क्या बोलना चाहते हैं आप? सर मैं चाहता हूँ कि इनका एक फिल्म जो सुपर हिट हुई थी धड़कन, सर मैं उनका एक डायलॉग सुनना चाहता हूँ. एक डायलॉग जो बहुत हिट हुई थी, जो अंशली मैं तुझे बोल जाऊँ,
ये हो नहीं सकता और तुम मुझे बोल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। वाह वेल डन, क्या बात है यार, माइक दे दो यार। अंजलि, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाओ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी इन सांसों से रहते हो बाहों में आ जाओ अगनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में ओके कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिलता है एक वीवो V3 स्मार्टफोन विथ 3GB रैम और फिंगरप्रिंट जैसे अनलॉकिंग बेहतरीन फीचर्स। अब वक्त है फास्ट फिंगरप्रिंट कैप्चर वाले वीवो स्मार्टफोन सेल्फी मोमेंट का। लेट्स गो, सेल्फी सेल्फी ले ले रे। थैंक यू अन्ना, थैंक यू दादा, आप दोनों यहां पर आए इस सुपर वीकेंड एपिसोड पर और एक्चुअली हमारे दिवाली और भी रंगीन बनाई। थैंक यू सो मच दोस्तों। ऑन बिहाफ ऑफ जी टीवी, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ एंड रितेश देशमुख, वी ऑल विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और हमारी तो हैप्पी दिवाली हो गई, आप सबकी हुई कि नहीं? तो जाने से पहले आप दोनों के लिए हमारे तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, प्यारा सा तोहफा, होपफुली लाइक इट, लेके आइए भाई। To thank our media partners, English print partner, DNA, Hindi print partner, Amar Ujala, radio partner, Mirchi 98.3.